नमस्कार दोस्तों मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आइए बात करते हैं सिल्वर एम की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने सिल्वर एम का चार्ट है जिसमें मैंने पाँच मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है क्या हमें बाइंग करनी चाहिए सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले तो आइए शुरू करते हैं पाँच मिनट के टाइम फ्रेम पर सिल्वर एम का चार्ट दोस्तों कल के अगर हम ट्रेडिंग सेशन पर थोड़ा सा ध्यान दें तो एक प्राइस था प्राइस की बात खैर बाद में कर लेंगे पहले हम ये ट्रेंड देखते हैं मार्केट ऊपर गया यहाँ पर सस्टेन नहीं करा प्राइसेस नीचे काफ़ी स्ट्रांगली गैप अप ओपनिंग और मार्केट ने अभी इस पार्ट को होल्ड किया हुआ है ठीक है सिर्फ इतना ही है कल जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं एक प्राइस था सिक्सटी सेवन वन सेवेंटी जिसके ऊपर मार्केट में प्योरली इंट्राडे एक स्ट्रेंथ बन सकती थी और ये भी मैंने आपको कहा था कि आप अगर कोई भी ट्रेड लेते हैं इस प्राइस के ऊपर क्योंकि मैं पर्सनली बाइंग को थोड़ा सा बचने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में करेक्शन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ट्रेड लिया ऊपर में पता नहीं निकले हैं नहीं निकले हैं फिर सिर्फ स्टॉप लॉस रखा और जब और हम जिस स्टॉप लॉस की तब बात कर रहे थे वो था सिक्सटी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ये प्राइस यहाँ पर ठीक है ये प्राइस ब्रेक हुआ मार्केट इस तरीके से मूव करता हुआ नीचे आया सिक्सटी सिक्स टू हंड्रेड को भी ब्रेक करा और फाइनली मार्केट यहाँ पर क्लोज़ हो गया आज मार्केट में गैप अप ओपनिंग थोड़ी सी और प्राइसेस यहीं कहीं अभी ट्रेड कर रहे हैं अभी तक ये निगेटिव जोन में आए भी नहीं है पूरे दिन से तो अल्टीमेटली मार्केट में हुआ क्या मार्केट में ये हुआ है कि एक अपसाइड जो स्ट्रेंथ होल्ड कर नहीं पाया मार्केट वीकनेस आई और वो वीकनेस अभी होल्ड है ये है मार्केट का अभी तक का व्यू अगर हम मतलब छोटे में जल्दी से समझें ठीक है तो इसके अलावा और कुछ समझने की ज़रूरत भी नहीं है और आगे चलते हैं पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ अब किस तरीके का एक ट्रेंड पैटर्न क्रिएट हो रहा है यहाँ पर अगर हम देखें तो सिल्वर के प्राइसेस में एक जिक्जैक्ट पैटर्न पर जो एक क्लैरिटी हमें मिल रही है वो यहाँ मिल रही है कि प्राइसेस जो हैं वो अब नीचे के लेवल्स पे होल्ड हो चुके हैं इंट्राडे में करेक्शन आ चुकी है जो बाइंग थी वो खत्म होती हुई नज़र आ रही है तो कई सारी चीज़ें जो इसमें एक इस चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं कि अब हमें बाइंग को अवॉइड करना चाहिए और मार्केट जो है वो थोड़ा सा सेलिंग की साइड पर रुकना शुरू हो चुका है बाकी देखते हैं अभी आगे कैसा रहेगा कैसा नहीं फ़िलहाल के लिए मार्केट में या तो कुछ ना करें या सेलिंग करें बाइंग बिल्कुल अवॉइड करें यही चीज़ें हैं जो हमारे लिए अभी ज़रूरी हैं और आगे चलते हैं एक घंटे के टाइम फ्रेम पे वहाँ देखते हैं कि क्या लेवल्स हैं किस तरीके का मार्केट रह सकता है नेट भी थोड़ा स्लो है शायद यहाँ मार्केट नीचे ऊपर स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ ये आप ये एक बॉक्स सा देख रहे हैं ठीक है इसके बीच में ट्रेड था अब मैं अपने तरीके से आपको बना के दिखाता हूँ मान लीजिए ये एक बॉक्स है मार्केट ऊपर ब्रेक करेगा चांसेस ये हो सकते हैं कि मार्केट ऊपर मूव करे ठीक है दूसरे चांसेस ये होंगे कि नीचे गिर जाएगा सुनने में बड़ा आसान लग रहा है पर यहाँ पर हमें करना क्या चाहिए मार्केट जैसे ही ब्रेक करता है तो ऊपर की साइड मूव करेगा हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पर होना चाहिए वो मैं तब की बात कर रहा हूँ जब आपके पास लेवल्स नहीं होते तो इस बॉक्स के लिए ये एक डाउन साइड में एक लेवल है ठीक है मतलब सिर्फ अगर उसी कंसेप्ट को आप समझ रहे हो उस पैटर्न को अगर आप समझ रहे हो मार्केट ऊपर गया या तो ये सिंगल साइडेड मूव करता रहेगा ऊपर क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉक्स था और अगर ये नीचे आता है पहली चीज़ कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ ट्रिगर हुआ दूसरी चीज़ कि आप यहाँ पर फर्दर सेलिंग कर सकते हैं ठीक है तो ये एक इस तरीके का एक पैटर्न बन जाता है पर इसमें ज़रूरी ये चीज़ रहनी चाहिए कि उससे पहले का जो पैटर्न है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉक्स होना चाहिए जिसके बीच में मार्केट अपने आप को होल्ड किए हुए हैं और आगे चलते हैं चार घंटे के टाइम फ्रेम पे वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है मार्केट नीचे यहाँ से एक अपसाइड करेक्शन अपसाइड और यहाँ कंसोडेशन मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है अभी रुका हुआ है पर इस पूरे जंजाल के बीच में मार्केट यहाँ पर अभी अपने आप को होल्ड कर रहा है अब अगर हम इस आ, इस पोर्शन के इस पार्ट की बात करें ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा इसमें मार्केट की जो अभी कोशिश चल रही है वो ये चल रही है कि ये इस बॉक्स से बाहर निकल के आए और वो भी डाउन साइड को ब्रेक करते हुए ठीक है मार्केट नीचे आएगा फिर जो कहाँ लेवल्स हैं कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है, है वो भी हम डिस्कस करेंगे तो ये पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ ठीक है मार्केट में करेक्शन के चांसेस नज़र आ रहे हैं और नीचे आने के चांसेस मार्केट के बने हुए हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है यहाँ पर अगर हम बात करें तो मार्केट में एक करेक्शन का पैटर्न था जो बहुत लंबे टाइम से बना हुआ था ये डेली टाइम फ्रेम पर है आपको देखिए मार्केट में जब चार्ट बन चुके होते हैं ना तब तो बहुत ईजी लगता है देखना कि प्राइस इस तरीके से नीचे आए बहुत क्लियर है यहाँ पर भी यहाँ तक का हमें नज़र आ रहा है जब बन गया तो बहुत क्लियर है पर आ, कोशिश आपकी भी मेरी भी और हम सब ट्रेडर्स की एक ही है कि मार्केट में हम उस चीज़ को पहले कैसे देखें कि मार्केट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा तो उसके लिए लेवल्स हमारी हेल्प करते हैं जो चार्ट का पैटर्न है वो हमारी हेल्प करता है और थोड़ी हर किसी की अलग अलग ऑब्जर्वेशन है रीडिंग एबिलिटी uh, है चार्ट्स को रीड करने की तो वो सबकी अलग हो सकती है तो उसे थोड़ा सा आप अगर कंसनट्रेट करेंगे फोकस करेंगे तो आपको भी समझ में आने लग जाएगा मुझे भी आने लग जाएगा और हम सबको आने लग जाएगा पहली कैंडल बहुत टाइम बाद बनी है इससे पहले ये भी थी पर ये इतनी स्ट्रांग नहीं थी ये कैंडल बहुत टाइम बाद बनी है जो मार्केट में करेक्शन को थोड़ा सा इंडिकेट कर रही है ठीक है और उससे बड़ी चीज़ ये जो कैंडल क्रिएट हुई है हाई ब्रेक करा एंड देन लो ब्रेक करा ये एक और साइन है मार्केट में अपसाइड ट्रेंड के ख़त्म होने का ठीक है अभी बाकी देखते हैं आगे का ट्रेंड कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा पर यहाँ पर इस चीज़ का बिल्कुल मतलब नहीं निकालना चाहिए कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है ये डाउन ट्रेंड नहीं ये हम करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसमें मैं बार बार पिछले तीन चार दिनों से कह रहा हूँ कि हम करेक्शन ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी अभी डाउन ट्रेंड जैसा कुछ नहीं है कि प्राइसेस आपको यहाँ मिलने लग मिलने लग जाएंगे या फिर और नीचे मिलने लग जाएंगे तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा पोजिशनल हैं कि प्राइसेस मुझे तो ऐसे चाहिए कि कम से कम दस हज़ार पॉइंट्स का ऊपर या नीचे मैं देखता हूँ तो आपने यहाँ पर अगर बाइंग करी थी तो आपको अभी वेट करना चाहिए मार्केट और ऊपर जाएगा तब देखेंगे कि क्या कर सकते हैं क्या करना चाहिए वापस चलते हैं एक घंटे के टाइम फ्रेम पे उन लेवल्स को अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए अब इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं करंट प्राइस सिक्सटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड इतना इजी नहीं रहेगा जब तक आप मार्केट देखते रहेंगे कि डाउन साइड या अप साइड है अभी मार्केट आपको बहुत कुछ दिखाएगा कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी कि क्या ये हाई प्राइस ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टाइम के लिए सिल्वर में ठीक है इंट्राडे का एक जहां अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है सिक्सटी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी यहाँ पर यह प्राइस अगर ब्रेक होता है सिल्वर की ओर थोड़ी सी कोशिश हो सकती है थोड़ा सा और अपसाइड मार्केट को कंटिन्यू करने की वो आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से आप ट्रेड ले रहे हैं कहाँ ट्रेड ले रहे हैं यह इंट्राडे का एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है उसके बाद ये जो हाई प्राइस है सिक्सटी सेवन फोर हंड्रेड के आसपास शायद कुछ ये लगा हुआ है ये ब्रेक होगा या नहीं होगा डाउनसाइड की अगर हम बात करें अगर आप करेक्शन में हैं तो मार्केट में जो जो लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिक्सटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड कल जब मैं लाइव सेशन में था तो बहुत सा मतलब एक क्वेश्चन ये था कि कहाँ पर बाइंग कर सकते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा सिक्सटी फाइव फाइव हंड्रेड एक इस तरीके का लेवल नहीं है कि आपको मतलब मार्केट गिर रहा हो और आप बाइंग करना शुरू कर दें लेट इट कंसल्टेट यहाँ पर अगर मार्केट आता है इस रेंज में ठीक है मार्केट का ये देखना होगा हमें कि कंसोलिडेट कर रहा है या नहीं कर रहा कंसोलिडेट कर रहा होगा हम पहला ट्राई ले सकते हैं इसमें छोटी क्वांटिटी से दूसरी चीज़ ये ब्रेक होगा तो नेक्स्ट जो प्राइस है सिक्सटी फोर थाउजेंड टू हंड्रेड से सिक्सटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड के बीच में काफ़ी स्ट्रोंग सपोर्ट है ये अगर ब्रेक हो जाती है तो मार्केट सिक्सटी टू थाउजेंड के कुछ लेवल को टेस्ट करने की शायद कोशिश कर सकता है तो ये एक रेंज है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जहाँ मतलब अगर सिक्सटी फाइव फाइव हंड्रेड से लेकर इसके बीच में कहीं भी अगर आपको कुछ मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ मिल रहा है एक अपने सपोर्ट बेस क्रिएट करता हुआ मिल रहा है तो आप वहाँ पर थोड़ी सी एंट्री ले सकते हैं इस प्राइस से पहले बिल्कुल कोशिश ना करें बाइंग की ठीक है बाकी वो तबका तभी तब देखा जाएगा कि मार्केट को सपोर्ट मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा इंट्राडे में हमारे अपसाइड लेवल की बात करी डाउनसाइड लेवल की बात करी करेक्शन के बने रहने के चांसेस हैं और हो सकता है कि आज का दिन मार्केट आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कंसोलिडेटेड एक साइडवेज पैटर्न दिखाए पर अल्टीमेटली मार्केट में सिल्वर में करेक्शन है और जिसका थोड़ा सा हम रिव्यू करने की कोशिश करेंगे जब नीचे के कुछ लेवल्स आ जाएंगे और वहाँ पर थोड़ा सा होल्ड होते हुए नज़र आएंगे और आ, आ, सिल्वर में तो इतना ही काफ़ी है ठीक है तो ये था मेरा सिल्वर एम सी एक्सपे अभी का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें बने रहें मेरे साथ देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट धन्यवाद